अदाब पलटन न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है दलित एक्टिविस्ट सूरज कुमार बौद्ध। कल जिस तरीके से रामलीला मैदान से लेकर के और तुगलकाबाद में दलितों का प्रोटेस्ट रहा और इसके बाद जो तस्वीरें निकल करके आई, कल सूरज कुमार बौद्ध वहां मौजूद थे, तो उन्हीं से जानेंगे कि कल जो आप प्रोटेस्ट कर रहे थे सूरज, कि किस तरीके से वहां पे प्रोटेस्ट था और मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहले तो इस खबर को कहीं तवज्जो नहीं दी और जब हिंसक घटना भड़की तो ये बताने में भी गुरेज नहीं किया कि पहले दलितों ने हिंसक रूप दे दिया। किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरी जो एक संरचना रची गई मीडिया द्वारा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले आपको आदाब से हूँ। मैं बहुत से एक्टिविस्ट अपने आप को मानता हूँ। फिलहाल मैं जो कल की घटना की बात करूंगा कि मीडिया ने मतलब जिस तरह से हमारे मोमेंट के खिलाफ बोला, तो सबसे पहला मेरा मीडिया से सवाल है कि वहां कौन सी मीडिया पहुंची थी जिसको जानकारी थी। एक मीडिया अपना फोटो दिखा दे, वहां आज तक गया था, इंडिया टुडे गया था, रवीश कुमार गए थे, प्रसून वाजपेयी गए थे, अभिषार शर्मा गया था, कौन गया था? जब कोई गया नहीं था तो लोगों ने अपने हिसाब से किसी चीज का इंटरप्रिटेशन कैसे कर दिया? इतिहास गवाह है, जो हमारी शोषित कौम है उसका मोमेंट जो है कभी भी हिंसक नहीं रही है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से मांग करते हैं। अगर हिंसक करना होता हमको तो वहां पर जो लाखों की संख्या में भीड़ थी उसको ले जाकर के हम लोग कुछ भी कर सकते थे, पुलिस नहीं थी उतनी। लेकिन हिंसा में हम लोग यकीन नहीं रखते, हम लोग संविधान में यकीन रखते हैं। तो हमारा मूवमेंट नील मूवमेंट दरअसल इक्वालिटी के बेस पर ही है, वो इक्विटी के बेस पर ही बना हुआ है। हम लोग हिंसा नहीं कहते। सच्चाई है कि इस मुल्क की जो मीडिया है, मैं ये नहीं कहूंगा बिकी हुई है, उनका जाति चरित्र ही यही है। वो बिकना उनके लिए वो छोटी बात है, उनका जाति चरित्र ही है। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, कोई गया ही नहीं था वहां पर, तो फर्जी खबर चलाई जा रही है हमारे मूवमेंट को बदनाम करने के लिए। और पूरा देश इस चीज को जान रहा है, पक्ष भी जान रहा है, विपक्ष भी जान रहा है, मीडिया भी जान रही है कि झूठ कैसे बोला जाता है। लेकिन झूठ बोलने पे टीआरपी मिलती है तो वो कर रही है। मंदिर को लेकर के प्रोटेस्ट था तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर भीम आर्मी भी सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है और विरोध भी कर रही है, तो कहां तक इसकी कार्रवाई पहुंची है और किस तरीके का आश्वासन अभी आप लोगों को मिला है? देखिए, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। हाँ, हमारे मूवमेंट के बाद सरकार ने बात करना शुरू कर दिया है कि वो जो कुछ भी हुआ उसमें सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, मंत्री साहब ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार से हमें दरअसल कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे उम्मीद के ऊपर हमारा वजूद नहीं टिका हुआ है, हमारे मूवमेंट के ऊपर हमारा वजूद टिका हुआ है। तो हम लोग उस पर आए थे, अरे बात मतलब हमारे नेताओं के समर्थन की, तो मैं सारे संगठनों का, सभी नेताओं का, पक्ष का, विपक्ष का, जो जिन्होंने समर्थन किया, जिन्होंने इसको पॉलिटाइज किया, जिन्होंने इसका विरोध किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात यह रही कि आपने समर्थन किया, विरोध किया, लेकिन सब लोग उस रामलीला मैदान में भीम मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आए थे, तो ये बड़ी बात है। भीम आर्मी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और सारे संगठनों के लोग भी उसमें थे, तो मैं उसको ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा। मेरा अपना मानना है कि हमारा जो जो चूंकि कुछ संगठन की बदौलत और कुछ नेताओं की बदौलत जो वहां पर हजारों लाखों की भीड़ थी उसको तो हम जलील नहीं कर सकते हैं, वो कुछ उम्मीद के साथ आए थे। यकीनन पूरे देश के बाहर जो मैसेज गया है वो कामयाबी का ही मैसेज गया हुआ है। रविदास मंदिर के ऊपर बात हो गई अभी कुछ ही दिन पहले जी, जब 2015 में इलेक्शन होने थे बिहार में, तो मोहन भागवत आरक्षण को लेकर के अपनी बात कहते हैं और फिर दोबारा से आरक्षण हटाने की मांग को पुरजोर तरीके से रखते हैं। ये बार बार लगातार जो आरक्षण को लेकर के आवाज उठा रहे हैं और आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? ठीक है, चाहे प्रवीण तोगड़िया हो जो आरक्षण की समीक्षा करने आए हो या मोहन भागवत हो जो आरक्षण पे परिचर्चा करने आए हो, यकीनन में डेमोक्रेसी में डिबेट होना चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए, हम उसके एकदम पक्ष में। मोहन भागवत ने कहा कि जो आरक्षण के पक्ष में है, जो आरक्षण के विरोध में है, जो विपक्ष में है, इन दोनों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल मैं मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन करता हूं, लेकिन चर्चा करने वाला होगा कौन? उस जो टीवी में बैठेगा चर्चा करने, वो शुक्ला, द्विवेदी, चतुर्वेदी, चटर्जी, बनर्जी, घोष बैठ के वो हमारे आरक्षण की समीक्षा करेंगे? हाँ, मैं चाहता हूं कि मोहन भागवत जी एक बार आए, हमारे बड़े बड़े नेताओं से बहस ना करें, वो एक अदने से लड़के से बहस कर ले, हम पे और रिजर्वेशन पे बहस करें, जाति आधार पर आरक्षण पे बहस करें,
मेरा उनके साथ और भी विषय होगा, केवल जाति आधार पर आरक्षण की समीक्षा नहीं, बल्कि जाति आधार पर बलात्कार, जाति के आधार पर हिंसा, जाति आधार पर अत्याचार, जाति आधार पर भ्रष्टाचार, जाति आधार पर जो व्यभिचार मचाया जा रहा है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि विजय माल्या की जाति क्या थी, नीरव मोदी की जाति क्या है, ललित मोदी की जाति क्या है, मेहुल चौकसी की जाति क्या है, जो गोरखपुर में हमारे बच्चे मारे गए उस डॉक्टर की जाति क्या है, जो ब्रिज गिरा आपके बनारस में उस ठेकेदार की जाति क्या है। जाति आधार पर हर चीज की समीक्षा होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में। जाति के आधार पर आपने अभी एक वर्ड बोला, जाति के आधार पर बलात्कार। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार ये देखने को मिल रहा है, अपराधियों को खत्म करने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ के राज में अपराध चरम सीमा पर है और अपराधियों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। तो जो लगातार जो घटनाएं घट रही हैं और इसमें ज्यादातर दलितों को निशाना बनाया जा रहा है और मुस्लिम समाज के लोगों को निशाना बनाया है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप जो एक लगातार सिनेरियो सा चल पड़ा है? हमारा देश दरअसल एकदम मनोरोगियों का देश बन चुका है, एकदम आप कह लीजिए कि वो जो है लोग वो इस मुल्क में हिंसा मिटाने की बात करते हैं, वो इस मुल्क में अत्याचार मिटाने की बात करते हैं, जिनके आका खुद आतंकवाद का आरोप जिन पर लगाम पुटी कर देते हैं, जो लोग खुद इतने मुकदमे झेल रहे हैं आतंकवाद का, जो लोग कहते हैं मुस्लिम लड़कियों का उनके क्या नाम है कि कब्र से निकाल के बलात्कार किया जाना चाहिए, वो हिंसा मिटाएंगे इस देश में, वो सुशासन लाएंगे इस देश में। दरअसल वो लोग जाति आधार पर उनका जो चरित्र है वो लोग लागू किया रहना चाहते हैं, उनका जाति चरित्र ही ऐसा है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, हमारे समाज को इस बात की जरूरत है। रही बात वो जिस तरह से एंटी प्रेस क्लास के लोगों पे, SST के लोगों पे, माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अत्याचार करते हैं, दरअसल उनको उनको खतरा इन्हीं लोगों से है। उनको पता है कि दोनों का पॉपुलेशन एक फाइटिंग पॉपुलेशन है, लड़ने वाले लोग, लड़ाकू को उनके पास एक आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी से डरते हैं, इसलिए वो टारगेट हमारे बीच में एक भय पैदा करना चाहते हैं, हमको मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। जो हमारे लोग उनकी इस विरासत को तोड़ रहे हैं और अपनी विरासत खड़ी कर रहे हैं, इसके वो लोग बौखलाए हुए लोग हैं। यकीनन अत्याचार बढ़ रहा है और वो और भी बढ़ाएंगे, चूंकि लोग संविधान में नहीं यकीन रखते हैं। उनका मंत्री कहता है वी आर रेडी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इस मुल्क में अत्याचार मिटाएंगे, उम्मीद नहीं करना चाहिए। हमें अपने समाज को इतना लड़ाकू और इतना स्वाभिमानी, इतना पढ़ाकू, इतना मजबूत बनाना है कि हम लोग उनसे मुकाबला कर रहे हैं। बेटियों का जिक्र आपने अभी बातों बातों में किया, तो बेटियों को लेकर के अभी जब मेरे दो सवाल धारा 370 पर आपसे बनते हैं, पहला सवाल ये कि धारा 370 हटाने के बाद सोशल मीडिया पर एक उग्र चेहरा देखने को मिला, जिन्हें कश्मीर की गोरी लड़कियां चाहिए थी और कश्मीर में जमीन खरीदनी थी। बीजेपी के सांसद हों चाहे CM हों, वो खुल करके ये कहते हुए नजर आए, तो किस तरीके से देख रहे हैं ये जो लगातार मानसिकता बनाते जा रहे हैं? देखिए वो लोग जब वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दरअसल हमको वही समझना पड़ेगा, ये नारा नहीं है, ये धमकी है। हम सत्ता में आ रहे हैं बेटी बचा कर दिखाओ, हम सत्ता में आ रहे हैं अपनी बेटी को पढ़ा कर दिखाओ, वो उनका नारा नहीं, एक धमकी है। कश्मीर की जब हम बात करते हैं, सोचिए जब मैंने कहा भारत मनोरोगियों का देश बन चुका है, जो बाबा साहब अम्बेडकर बार बार कहते रहे हैं, मतलब हम लोग गोरी लड़कियों को मतलब इस तरह से निशाना बना रहे हैं, मतलब वो तमाम हमारे समाज के लोग भी थे जो उसको शोषित कौम, जो नीला झंडा बांध के जय 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 भीम चलाते थे, वो लोग भी कश्मीर में प्लाट खरीदने जा रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा मजाक भी चलता है, मजाक की एक सीमा भी होती है कि हम जो है कि सेब खरीदने गए, पैसे नहीं था, अमरूद लिए गए, वो क्या नाम है कि प्लाट खरीदेंगे, वो मजाक की बात अलग, जिसको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। इन्होंने किस तरह से संविधान का कत्ल किया, संविधानिक प्रावधानों को इन्होंने कत्ल किया, आर्टिकल 370 जो भी कहता है, वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली का जो भी था, इन्होंने इस देश के जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, उस जो इसका एग्रीमेंट था उसको उन्होंने ब्लॉक किया, उन्होंने बसपा नियम को अभी तक बरकरार रखा, रोला टैक्स बिना अपील बिना दलील बिना वकील किसी पर भी अत्याचार पर तो जारी रखा। दरअसल ये जो चाहते हैं इन्होंने क्या किया, जम्मू में हिंदू बेस्ड पॉपुलेशन ज्यादा, वहां पर फिर भी SST ज्यादा है, लेकिन फिर भी हिंदू डोमिनेटेड पॉपुलेशन ज्यादा है, उसको उन्होंने स्टेट बना दिया। इन्होंने कश्मीर को जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा है, उन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वहां चुनाव नहीं होगा बगैर लेजिस्लेटिव असेंबली के। इन्होंने लद्दाख में जहां बहुत ज्यादा है वहां पर उन्होंने किया। फिर कश्मीर का सवाल इसका साथ नागालैंड को जोड़ के देखिए, मणिपुर को जोड़ के देखिए, त्रिपुरा को जोड़ के देखिए, पूरी विरासत समझेंगे, वहां पर तो अधिकांश बहुत है मणिपुर वगैरह में, वहां पर क्या कर रहे हैं?
दरअसल इनका जाति चरित्र अत्याचार कर रहे हैं, इनको संविधान मानते नहीं है लोग, और हमारे जिन नेताओं ने इसका समर्थन किया मैं उसके खिलाफ हूं, गलत किया आर्टिकल बगैर बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्या कांग्रेस का कोई भी एससीएसटी का सांसद संविधान नहीं पढ़ा था? क्या और भी हमारे जो विपक्षी पार्टियां के लोग हैं या खुद भाजपा के जो एससीएसटी के लोग थे, क्या वो बाबा साहब के वैल्यूम्स नहीं पढ़े थे? अमित शाह संसद में झूठ बोल रहा है कि बाबा साहब 370 के खिलाफ थे, जबकि अगर आप बाबा साहब का वैल्यूम पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वैल्यूम पढ़ेंगे, उसका पार्ट नंबर 14, उसका जो 14वां भाग है उसका पार्ट 2, वैल्यूम 14 उसका पार्ट 2 एकदम कहता है 1317 पेज पे, 1317 पेज नंबर पे बस इस बात को नकारता है। मतलब बाबा साहब पूरा बताते हैं उन्होंने जो 1951 में स्पीच किया। आर्टिकल 370 को लेकर के बाबा साहब ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। इन लोगों ने इतना तक बना दिया कि बाबा साहब ने 370 लिखे ही नहीं थे, कल को कहेंगे बाबा साहब आर्टिकल 16 नहीं लिखे थे, 14 नहीं, और हमारे लोग मान भी ले रहे हैं। बिकॉज समाज पार्टी भी इस पर सपोर्ट करते हुए नजर गलत किया तरीके से, क्योंकि आप गलत किया। इस चुनाव में 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे थे, और जिस तरीके से देखा जा रहा है, और बहुजन समाज पार्टी पर भी एक सवाल खड़ा होकर के आ गया है कि जब तीन तलाक का मुद्दा आया तो उधर इन्होंने पूरी तरीके से वॉकआउट कर दिया, और तमाम जितने भी अभी बिल पेश किए गए हैं उसमें साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट देखा गया। तो किस तरीके से देख रहे हैं, एक तरफ तो आप मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और जब अधिकारों की लड़ने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, बात केवल वोट तक नहीं, बात अगर आप उसको संविधान से जोड़ के देखिए, जब 10% रिजर्वेशन आया, कितने माइनॉरिटी को उसमें रिजर्वेशन मिलेगा? अगर माइनॉरिटी के इंटरेस्ट आप इतना चाहते हो तो इस मुल्क में माइनॉरिटी छोड़ दो, आप मुझे चमार छोड़ दो, बाबन छोड़ दो, मुसलमान छोड़ दो, पासी धोबी दही कारगिल बहुत धोबी गरबी छोड़ दो, जाति आधार पर जिसकी जितनी पॉपुलेशन उतना रिजर्वेशन दे दो, धर्म छोड़ दो, जाति आधार छोड़ दो, संख्या के आधार पर दे दो, नहीं देंगे। मुसलमान की तैसी नहीं है, ये लोग दरअसल संविधान पर हमला कर रहे हैं। जब संविधान पर हमला होगा वहां पर चमार भी मारा जाएगा, पासी भी मारा जाएगा, SC ST के लोग मारे जाएंगे, OBC के लोग मारे जाएंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग मारे जाएंगे, क्योंकि संविधान ही हमारा जो है जीवन दर्शन है। बाबा साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका जीवन दर्शन है। जब हम बात बहनसी का करते हैं या समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का करते हैं, यकीनन हम इस स्टैंड के खिलाफ हैं। जिस तरह से 10% रिजर्वेशन दिया गया गलत था, 370 पे जो उन्होंने स्टैंड लिया BSP प्रमुख ने, और जो तमाम बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने, खुद सपा के लोगों ने या खुद RJD के लोगों ने, जिनको मतलब तमाम के लोग हम अपना मानते हैं और हैं भी हमारे अपने, वो मैं उनके लिए लाठी खाया हूं, मैं उसका चिंता करवा रहा हूं, मैं खुद समर्थन किया हूं, प्रचार किया हूं अपने खर्चे पे, बावजूद इसके कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम फॉर अस, वी कैन नॉट बॉयकॉट, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हजारों साल संघर्ष के बाद हमको कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, वी कैन नॉट बॉयकॉट इट। तो जहां पर जो बसपा का स्टैंड था वो गलत था, और माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ था, SC ST कम्युनिटी के खिलाफ था, मैं तो कहूंगा भारत के खिलाफ था, इंसानियत के खिलाफ था, एक वे था, एक प्रोसेस था, एंड वी हैव टू फॉलो दिस। अगर आप नहीं फॉलोगे कल को तो इंग्लैंड कहेगा कि मतलब भारत हमारा, जब आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को ना मानोगे तो कल तो भारत पे कब्जा करेगा? कॉन्ट्रैक्ट नाम का चीज कोई होता, उसी कॉन्ट्रैक्ट को बुनियाद मान करके 370 बनाएगा ना, हाउ कैन यू बैकवर्ड दिस? मोदी नागालैंड को अलग फ्लैग देते हैं, दैट्स नो इशू, कश्मीर इज द इशू, सिर्फ हिंदू मुसलमान का केंद्र बनाने के लिए ये वही चाहते हैं। आखिरी सवाल मेरा सूरज आपसे यही होगा, क्योंकि तमाम पार्टियां आकर के खड़ी हो गई हैं, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अगर महाराष्ट्र में आप जाते हैं तो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, और यही अगर हाल देखें तो मुसलमानों का भी यही हाल है, तमाम राजनीतिक पार्टियां आकर के खड़ी हो गई, पर सब बात तो करते हैं जय भीम जय भीम की, एक प्लेटफॉर्म पर सबको कैसे लाया जाएगा? क्या बिखराव करके या अंदर खाने से BJP को सपोर्ट करके क्या एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, और किस तरीके से मजबूत करना चाहिए अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं? देखिए, मैं किसी को मूर्ख तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बड़े समझदार लोग हैं हमारे नेता, और किसी को स्वार्थी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के लिए लड़ते हैं, जाने में अनजाने में हमको उसका फायदा होता है, लड़ते हैं। लेकिन इतना क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे सारे जितने नेता हैं ना, सब झूठे हैं, सब झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि बहुजन समाज संगठित नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग संगठित नहीं है, जबकि झूठ बोलते हैं। अखलाक इशू होता है पूरे देश में, हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके दिया,
क्या लोग संगठित हैं। रोहित पिंगला इशू होता है, चाहे वो नसीब इशू होता है, हम लोग प्रोटेस्ट करके दिखाया कि हम संगठित है। उनाकांड इशू पर हमने दिखाया संगठित है। दो पहल भारत बंद करके हमने दिखाया कि हम संगठित हैं। सहारनपुर कांड के बाद हमने दिखाया कि हम संगठित हैं। कोरेगांव कांड हुआ, हमने दिखाया कि हम संगठित हैं। आपके इसी 19 अगस्त 21 अगस्त को हमारे लोगों ने दिखाया कि हम संगठित है। लाखों की भीड़ से जंतर मंतर इकट्ठा होती है, वहां से कैंसिल होता है तो रामलीला मैदान से लेकर कुतुकलकाबाद जाते हैं, हम संगठित हैं। लेकिन मंचों पर क्या हुआ, नेता संगठित नहीं थे। संविधान को लेकर के हम सब संगठित हैं, हमारे नेता संगठित नहीं है। तो बहुजन समाज संगठित है, बहुजन नेता संगठित नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि जितने नेताओं का अपना अमलेर है एक बार वो प्लेटफॉर्म पर आकर दिखा दें, फिर मुझसे कहें कि बहुजन समाज संगठित नहीं होंगे, फिर सूरज बोध मानेगा कि हाँ हमारा समाज संगठित नहीं है। हमारा समाज संगठित है, हमारे नेता संगठित नहीं है। और ये नेताओं के ऊपर अब सवाल उठना चाहिए कि तुम संगठित कब होगे। हम सब संगठित हो चुके हैं। तुम्हारे कॉल पर, फेसबुक के, व्हाट्सएप पे कॉल पर हम लाखों की भीड़ इकट्ठा हो सकते हैं, अपने खर्चे से आ सकते हैं, ट्रेन के धक्का मुक्की खाते हुए आते हैं, फर्श पर सोते हुए आते हैं, टॉयलेट में घुस के सोते हुए आते हैं। हम संगठित हैं, तुम कब संगठित होगे? अब तुमको जवाब देना पड़ेगा। अब तुम जनता से सवाल करना बंद करो, जनता तुमसे सवाल करेगी। इसलिए नहीं तुम विपक्ष में हो, पक्ष में, बस इसलिए तुम हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हो। अगर आप संगठित नहीं होंगे तो मैं कहूंगा कि दरअसल प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं आप, ठेकेदारी कर रहे हैं। और इस ठेकेदारी के खिलाफ हम सबको पहुंच जाएगा। हमारा समाज संगठित हो, हमारे नेता संगठित हो, और बहुजन समाज को इतना हमको लड़ाकू स्वाभिमानी बनाना है कि हमको हमारे ऊपर जब अत्याचार पड़ेगा किसी नेता की तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद लड़ेंगे अपनी लड़ाई। 2 अप्रैल को हमने प्रूफ किया, 21 अगस्त को हमने प्रूफ किया, और हम ये प्रूफ करेंगे आगे भी कि हमको किसी समाज, हमारा समाज जो है अपनी लड़ाई लड़ लेगा अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो। यानी कि हमारा समाज राजनीतिक रूप से अनाथ हो सकता है, लेकिन सामाजिक प्रतिद्वंद और सामाजिक एकजुटता के आधार पर हमारा समाज कभी अनाथ नहीं होगा। क्योंकि बहुजन समाज 85% का समाज है, 90% का समाज है, वो कभी अनाथ नहीं होगा। हम लोग हमेशा से इस मुल्क के रहबर जो रहे हैं उनकी विरासत को मानते हुए इस मुल्क के शासक बनने के जद्दोजहद में लगे रहेंगे, संघर्ष करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सूरज कुमार बौद्ध, जिनसे तमाम मुद्दों पर बात की और उतनी ही बेबाकी से इतने उन्हें अपने जवाबों को रखा। और एक आखिरी सवाल कि बहुजन समाज, चाहे मुस्लिम समाज हो, ये समाज तो संगठित है पर आपस में जो मंच पर खड़े होने वाले नेता हैं वो आपस में कब संगठित होंगे ताकि फिर कोई जुल्म ना कर सके, और जुल्म करने वालों को जवाब देना अब बहुत लाजमी हो चुका है।